सोलन में भाजपा नेता राजेश कश्यप ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने देश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सोलन को करीबन 55 लाख की योजनाओं की घोषणा करने पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो भी मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई, उन्होंने सभी मांगों को पूरा किया है और साथ में ये आश्वासन भी दिया है कि जो भी मांगे भविष्य में होंगी वह भी जल्द पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला अस्पताल में करीबन 10 डॉक्टरों को नियुक्त किया जाएगा, जिसकी वजह से रोगियों को राहत मिलेगी। वहीं फोरलैन प्रभावितों को ट्रांसपोर्ट नगर मिलेगा। इस घोषणा से सोलन वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री करके गए हैं वो कांग्रेस द्वारा चलाई गई हैं, लेकिन जो योजनाएं कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी उनमें वो पैसे लाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं और जिन योजनाओं को कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था उनमें केवल कुछ लाख रुपए ही उपलब्ध करवा पाई हैं और यही वजह है कि उनकी घोषणाएं ही बनकर रह गई थी जो 5 वर्षों में पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब भाजपा सरकार ने इन योजनाओं में करोड़ों रुपए देने के लिए घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने सोलन की जनता को 53 करोड़ रुपए के लगभग की सौगात सोलन वासियों को दी है। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीमें हैं ये उन्होंने बनाई है, ये बेशक बनाई होगी लेकिन काफ़ी सारी स्कीमें तो इसमें नई है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें एक एक दो दो लाख रुपए दे करके जो है स्कीम जो वो चलेगी नहीं, क्योंकि करोड़ों की स्कीम है, जब तक इसमें पैसा नहीं आएगा तब तक लोगों को जो है ठगने वाली बात है। तो इस तरह का जो है एक दुष्प्रचार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत बात है। हालांकि सोलन के कांग्रेस वालों को भी जो है माननीय मुख्यमंत्री का जो है धन्यवाद करना चाहिए कि जो स्कीमें उन्होंने कुछ स्कीमें जो इसमें थी उन्होंने लाई थी, पर पैसे तो आखिरकार जो है वो हमारे जो मुख्यमंत्री वही देके गए हैं।